पश्चिम बंगाल के लाखों किसानों का आवेदन खारिज, गुस्साई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र को लिखा खत। मुक्ति के दो साल, नई व्यवस्था के साथ कई बंदिशें हटी, सबके लिए खुले जम्मू कश्मीर के द्वार। संबल जिले के नाम बदलने को लेकर सियासत थे, सपा एमएलए बोले सरकार बनते ही बदल देंगे नाम। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से जुड़ेगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हरियाणा और यूपी सरकार से रजामंदी। कन्नौज में डिंपल बोली, हम ऐसी सरकार बदल देंगे जिसमें महिलाओं का सम्मान और युवा को रोजगार हो। देश का सबसे लंबा कॉरिडोर बनकर तैयार, शुक्रवार से पूरी पिंक लाइन पर सफर कर सकेंगे मेट्रो यात्री। आ गई कोरोना की तीसरी लहर, पिछले 24 घंटे में 42,982 नए मामले, महाराष्ट्र में ज्यादा मौत है। कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती, छत्तीसगढ़ में कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दिलवा रही प्रियंका। साइकिल यात्रा पर निकले अखिलेश यादव का दावा, सपा जीत सकती है 400 सीटें, बीजेपी को नहीं मिलेंगे प्रत्याशी। सीएम पद की दावेदार होंगी प्रियंका गांधी, कांग्रेस ने कहा उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है जनता। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।